अध्याय छः। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। तभी एक जंगल निवासी ने आकर बताया कि भरत अपनी सेना और दरबारियों के साथ चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मण को आघात लगा और उन्होंने अपने कटु विचार व्यक्त किए। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि वास्तविक कारण जाने बिना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। भरत ने अन्य सभी से आगे आकर श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भरत ने उन्हें दशरथ के आकस्मिक निधन के बारे में भी बताया। निधन का समाचार सुनकर श्री राम शोक में डूब गए। श्री राम ने नदी तट पर अपने पिता को जलांजलि अर्पित करके अंतिम प्रणाम किया। सभी के बीच भरत ने अपने आगमन का प्रयोजन बताया और कहा कि वे वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राज संभालने के लिए वापस ले जाना चाहते हैं। जनक ने भी सुझाव का अनुमोदन किया, लेकिन श्री राम ने उनका सुझाव स्वीकार नहीं किया। श्री राम ने कहा कि वे पिता के वचन का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम के आदर्शों का पालन करने के लिए भरत ने श्री राम से चरण पादुका मांग ली। चरण पादुका सिर पर उठाकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या पहुंचकर भरत ने चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। स्वयं एक सन्यासी का वेश धारण करके अयोध्या के पास एक कुटिया में रहकर राजकाज संभालने लगे। चित्रकूट में श्री राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन के लिए आने वालों के कारण वन में रहने वाले अन्य ऋषियों और सन्यासियों की शांति भंग होती थी, इसलिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर अत्रि ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां प्रवास के दौरान ऋषि की पत्नी अनुसुया ने सीता को एक आदर्श पत्नी के अनेक कर्तव्य सिखाए। सुतिक्षण के उद्यान में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की भेंट सुतिक्षण ऋषि से हुई और उन्हें अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले गए। ऋषि ने श्री राम को अमोघ शस्त्र दिए, जो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकते थे। श्री राम ने ऐसा स्थान सुझाने का आग्रह किया जहां वे वनवास का शेष समय व्यतीत कर सकें। ऋषि ने उन्हें पंचवटी में गोदावरी के तट पर जनस्थान के बारे में बताया।